नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, SSSC ने जारी की फार्म भरने वालों की लिस्ट। जल्दी देख लो किस ग्रुप में क्या कट ऑफ रहेगी। यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, आज की न्यूज़पेपर में भी आई है और वैसे आपने देख लिया होगा, टोटल जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे यानी कि जो CET पास हुए थे, क्वालिफाई हुए थे, वो थे 357,000। लेकिन इसमें जो 5 मई लास्ट डेट थी उसमें 325,000 कैंडिडेट ने ही फार्म भरा था। फिर इसकी डेट एक्सटेंड हुई, उसके बाद क्या हुआ, दो बार और डेट एक्सटेंड हुई, तो उसके बाद 336,000 कैंडिडेट ने इसका फार्म भरा है। तो टोटल 336,000 कैंडिडेट है जिन्होंने अलग अलग पोस्ट है उनके लिए फार्म भरा है। इसमें ग्रेजुएशन की भी पोस्ट है, 12th की भी है, टेक्निकल भी है, स्टाफ नर्स वगैरह जो भी है, जितनी भी है सारी है अलग अलग इसमें। तो इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका कंपटीशन रह गया 336,000 युवाओं के साथ। इसमें कुछ युवा ऐसे भी हो सकते हैं जो मान लो कम नंबर वाले हैं, तो उन्होंने ये सोचा हो कि नंबर तो आने वाला है नहीं तो इसलिए फार्म भी ना भराओ। बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जिनके नंबर पूरे होंगे और उनका कोई और दूसरी अच्छी भर्ती में सिलेक्शन हो गया हो तो इसलिए फार्म ना भराओ। तो कुछ ना कुछ कैंडिडेट 1-2% ऐसे भी हैं जिनके नंबर अच्छे थे, 60-70% थे और कहीं दूसरी जगह हो गए और इसलिए उन्होंने फार्म ना भराओ, तो उसका कुछ कैंडिडेट को फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं वैसे आपको बता देता हूँ, ग्रुप नंबर 56 और 57 है जो ग्रेजुएशन और 12th की पोस्ट है, खासकर इनके लिए सबके कमेंट आ रहे थे। बाकी तो भर्तियों का आपको मोटा मोटा आइडिया है ही है। तो इसके कट ऑफ है वो फ़िलहाल 65 नंबर जिसके हैं, 65 या 65 से ऊपर, वो बिल्कुल सेफ़ है। और इसमें 1-2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि SSC अभी फार्मूला कौन सा लगाएगी इसका कोई पता नहीं है। हो सकता है मान लो रिपीटेशन वाला फार्मूला हटाने की बात कर रहे थे, तो उसमें छोटी छोटी पोस्ट है, उसमें 5 गुना भी बुलाए जाएंगे बहुत सारी जगह, कई जगह 4 गुना भी बुलाए जाएंगे। मान लो कैटेगरी वाइज बुलाते हैं, किसी कैटेगरी में 30 से कम है तो वहाँ 5 गुना बुलाए जाएंगे, 30 से ज़्यादा 4 गुना बुलाए जाएंगे, और थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी ऐसी है जहाँ 5-5 गुना भी बुलाए जाएंगे। तो मान लो 5-5 गुना वाले ज़्यादा होते हैं तो ये 64 या 63 तक भी जा सकती है, और यदि कम होते हैं तो ये मतलब 65 की 66 भी जा सकती है। 12th की बात कर रहा हूँ मैं। और जो ग्रेजुएशन की है उसमें ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की है तो वो इसमें से निकलेंगे। तो ये ग्रेजुएशन वाले हैं वो 63-64 वाले अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और इसके लिए चेयरमैन साहब ने भी एक मतलब इंटरव्यू के माध्यम से बताया था कि इस मंथ तक हम ये एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे और जून के 1st वीक तक हम ये भी बता देंगे कि किसका नंबर किस भर्ती के लिए आएगा, यानी कि 4 गुना की लिस्ट है उसके बारे में वो या तो कट ऑफ या फिर लिस्ट है वो जारी कर देंगे। तो ये एक नई अपडेट थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ।